राजस्थान में अभी तक के रुझानों से करीब करीब ये साफ हो गया है कि सूबे में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस की हार के पीछे क्या कारण है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। पहला है खेमेबाजी या कह लीजिए कि गुटबाजी। कांग्रेस चुनाव के कुछ महीने पहले तक गुटबाजी से जूझती नजर आई थी। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान का कार्यकर्ताओं पर तो असर पड़ा ही पड़ा, लेकिन जनता के बीच भी इसका गलत संदेश गया था। दूसरा है मोदी फैक्टर। राजस्थान का चुनाव मोदी बनाम गहलोत हो जाना भी कांग्रेस को काफी भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्ट्रैटेजिक तौर पर ब्रांड मोदी का इस्तेमाल किया और किसी भी सीएम फेस को मैदान में नहीं उतारा, और ब्रांड मोदी के चेहरे के सामने गहलोत फीके पड़े, यहां तक कि जातीय जनगणना का कार्ड भी काम नहीं आया। तीसरा है हिंदुत्व का कार्ड और कन्हैया लाल हत्याकांड। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा खूब उठाया। कहीं ना कहीं इस मामले ने कांग्रेस की छवि को पहले से ही काफी नुकसान पहुंचाया था और अब चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला। चौथा है बागियों का खेल। कांग्रेस की हार के पीछे बागी भी काफी बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद कई नेताओं ने पार्टी से बगावत कर ली, कुछ ने खेमा बदला तो कुछ ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। पांचवा मुद्दा है पेपर लीक का। अशोक गहलोत की सरकार ने चुनावी साल में एक के बाद एक चुनावी दांव चले। चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया, लेकिन पेपर लीक के मुद्दे ने इन योजनाओं का न सिर्फ असर कम किया बल्कि युवाओं के बीच बीजेपी के लिए भरोसे को और बढ़ा दिया। तो हमारी तरफ से तो ये 5 कारण हुए जिसमें राजस्थान में सत्ता पलट कर रख दी है, कांग्रेस को हार का मुंह दिखाया है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।